नागपुर नगर निगम के तहत चलने वाली अपनी बस सेवा 3 अक्टूबर 2024 से अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेगी। निगम बस अनुबंध श्रमिक संघ संलग्न भारतीय मजदूर संघ के नगर आयुक्त को हड़ताल नोटिस दिया गया है, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई। उक्त नोटिस इसलिए जारी किया गया है क्योंकि 3 अक्टूबर तक वेतन वृद्धि के संबंध में कोई निर्णय नहीं होता है तो सिटी बस के अनुबंधित ड्राइवर और कंडक्टर और अन्य संबंधित कर्मचारियों ने अनिश्चितकाल के लिए काम बंद करने का फैसला किया है। पिछले 10 से 15 वर्षों से नागपुर नगर निगम के तहत अपनी बसें चलाने वाले संविदा कर्मचारियों को नगर निगम द्वारा बहुत कम राशि केवल 12 से 13 हजार रुपए का भुगतान किया जा रहा है, जिससे इन कर्मचारियों को काफी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस महंगाई के दौर में इतनी कम सैलरी में अपने परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। इस संबंध में संगठन की ओर से समय समय पर नगर निगम प्रशासन से वेतन वृद्धि के संदर्भ में अनुरोध किया जाता है, लेकिन इससे नगर निगम प्रशासन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन ने अन्य विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि कर उन्हें न्याय दिया है। मी स्वतः भारतीय मजदूर संघाचा प्रदेश महामंत्री ज्या संघटनेचा वर्किंग प्रेसिडेंट म्हणून काम करतो गजानन दटलेवार या संघटनेचे महासचिव कमलेशजी वानखडे आणि इतर सर्व प्रमुख पदाधिकारी आज या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित आहे। त्याचं मुख्य कारण असं आहे की नागपूर महानगरपालिका की मागील जवळपास 15 वर्षापेक्षा जास्त काळापासून आपल्या नागपूरची शहर बस वाहतूक सेवा नागपूर शहराला देत आहे। मोठी सेवा आहे, यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या माध्यमातून नागपूर शहराची बस सेवा सुरू होती, परंतु नागपूर महानगरपालिकेने ती सेवा स्वतःकडे हस्तांतरित करून घेतली आणि त्यानंतर स्टार बसच्या माध्यमातून आणि नंतर आपली बसच्या माध्यमातून नागपूर शहरामध्ये शहर बसची सेवा सुरू केली। परंतु एवढी मोठी सेवा एवढ्या मोठ्या शहरामध्ये महानगरामध्ये शहर बसची सेवा देत असताना मोठ्या प्रमाणामध्ये बस त्यांनी भाड्याने घेतल्या, काही बसेस केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या माध्यमातून उपलब्ध झाल्या आणि त्या माध्यमातून शहर बस सेवेचं कामकाज सुरू आहे। परंतु एवढी मोठी सेवा पुरवित असताना ही जी आज शहर बस सेवा संपूर्ण महानगरामध्ये आणि आजूबाजूच्या ग्रामपंचायतीपर्यंत जी सेवा शहर बस सेवा या ठिकाणी उपलब्ध झालेली आहे ती चालवण्याचे जे कर्मचारी आहे हे कंत्राटी कर्मचारी आहे, यांच्या सेवा जवळपास 10 वर्षापेक्षा जास्त काळापासून यांच्या सेवा झालेल्या आहेत। कोणाकोणाच्या सेवा तर स्टार बस पासून पोरं काम करत आहेत, 15 वर्षापेक्षा जास्त सेवा त्यांच्या झालेल्या आहेत। असं असताना नागपूर महानगरपालिकेचं प्रशासन या कर्मचाऱ्यांना फक्त 12-13 हजार रुपये पगार देत आहे आणि एवढ्या कमी पगारामध्ये एवढ्या तुटपुंज्या वेतना पगारामध्ये 10-10, 15-15 वर्षाची सेवा झाल्यानंतरही पगारात जर भाग होत नसल, वेतन करार होत नसल, समान काम समान वेतनाच्या माध्यमातून जर त्यांना वेतन मिळत नसल तर या कर्मचाऱ्यांनी आपलं कुटुंब कसं चालवावं असा मोठा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांसमोर पडलेला आहे। अगर ये कर्मचारी काम बंद करते हैं तो शहर की बस सेवा ठप हो जाएगी, प्रशासन को तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। लेकिन क्या प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से लेगा? क्या हम नागपुर में सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित रख पाएंगे? ये सवाल अब उपस्थित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।